दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी अभी एनसीएल में वैकेंसी अभी है। एनसीएल जो है कोल इंडिया की सब्सिडायरी कंपनी है, जो एक कोल इंडिया एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो यहाँ पे अप्रेंटिस के पोस्ट में लगभग 1500 पोस्ट पे 1500 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक के लिए वैकेंसी आई लगभग 100 पोस्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। इसके बाद आप देख सकते हैं फीटर वाली वैकेंसी में, फिटर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगभग 800 पोस्ट पे वैकेंसी, लगभग 800 पोस्ट पे वैकेंसी है फिटर के लिए सबसे ज़्यादा है। आगे आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए लगभग यहाँ पे 500 पोस्ट पे वैकेंसी है। अब नीचे आप देखेंगे मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ 100 वैकेंसी है, ठीक है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 100 वैकेंसी है। तो यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पे सबसे नीचे देख रहे होंगे बॉक्स में बना गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स में 1500 वैकेंसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टोटल 1500 वैकेंसी। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ, उसके बाद हम लोग चलेंगे एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए फॉर वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे 8 पास होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए, वो भी NCBT या HTBC होना चाहिए, वो भी UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नहीं, UP और MP में जो इंस्टीट्यूट होगा वहीं से अगर आपको ITI अगर पास किए तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th और ITI पास होना चाहिए, NCBT और SCBT से पास होना चाहिए, और आपको और UP और MP बोर्ड से ही ITI पास होना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे आप देखते हैं फिटर के लिए 10th और ITI पास मांगा गया, सेम टू सेम मांगा गया, ठीक है। आगे देखिए फॉर मोटर मैकेनिक के लिए भी आपको सेम टू सेम मांगा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आप फॉर ऑल ट्रेड के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल और OBC के लिए, 45% ST SC PWD के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एज लिमिट, एज लिमिट में बताने वाला हूँ, तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 16 साल मांगा गया, 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 30 जून 2021 तक आप अपना काउंट करके देख सकते हैं। और जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज, आपको जो एज में छूट मिलता है वो तो आपको मिलेगा अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई कैसे तरह अप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ और क्लियर फोटोग्राफ रखना है, जिसका बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होगा लेकिन बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही मांगा जाता है, और 6 महीने से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए और भी स्मॉल लेटर पर, कैपिटल लेटर पर कभी भी सिग्नेचर नहीं किया जाता। पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 8th और 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। और पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए वैसे कैंडिडेट का जो PWD से बिलोंग करता है। बैंक अकाउंट डिटेल सबके लिए नेसेसरी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है, 2 स्टेज पे होगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो, www.apprenticeshipindia.org ऑर्गेनाइजेशन पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। अगर रजिस्टर पहले से किए हुए हैं तो बहुत अच्छा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2nd स्टेज से। यहाँ पे www.nclcil.in पर जाएंगे और वहाँ पे कैरियर टैब जो होगा, करियर टैब वहाँ पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पे ये लिखा होगा NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2021-2022 ये लिखा होगा, तो वहाँ से जाके आप पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ से आप जल्दी से फॉर्म को भर देंगे और यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन जाए और आप वहाँ पर जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग होने वाला है बिल्कुल। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें दिया जाएगा। और इस तरह की वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।